अहमदाबाद में अपनी पहचान छुपाकर गरबा पंडालों में घुसने की कोशिश कर रहे दो मुस्लिम युवकों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। दोनों की जमकर पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की है। इंदौर में भी गरबा पंडाल में पहचान छुपाकर घुसे सात मुस्लिम युवकों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। ये युवक पंडाल में वीडियो बना रहे थे और जब लोगों ने नाम पूछा तो गलत नाम बताया गया और आईडी दिखाने से इनकार कर दिया गया। पुलिस ने सातों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, बाद में सभी जमानत पर रिहा हो गए। महाराष्ट्र के पालघर में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई जबकि आठ लोग घायल हो गए हैं। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। जम्मू कश्मीर का उधमपुर 10 घंटे के अंदर दो ब्लास्ट से दहल उठा है। बुधवार शाम सैन्य चौकी के पास पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में जोरदार धमाके से दो बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। ब्लास्ट में दो लोग घायल हो गए हैं। तो आज सुबह 6 बजे इसी इलाके में एक और धमाका हुआ। दूसरा धमाका एक बस में ठीक उसी तरीके से हुआ जैसे बुधवार शाम उधमपुर के एक पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में हुआ था। हालांकि सुबह के धमाके में कोई नुकसान नहीं हुआ है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और मामले की आतंकी एंगल से जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आईडी मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और आईडी को बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ हो रही है। यूपी के सहारनपुर में खनन माफिया और बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हाजी इकबाल की 203 करोड़ की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट के तहत अटैच कर ली है और इससे पहले देहरादून मसूरी रोड पर माफिया की 200 करोड़ की संपत्ति को सीज भी किया गया था। लखनऊ की डिविजनल कमिश्नर रोशन जैकब लखीमपुर खीरी के एक अस्पताल में घायल बच्चों को देखकर भावुक हो गई। परिवार से बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने अधिकारियों को बच्चों के इलाज में हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। राजस्थान के धौलपुर में एक मकान ढहने से 4 बच्चों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार किराए के मकान में रहते थे और जिसके ढहने पर पूरा परिवार उसकी चपेट में आ गया। हादसे में 3 बच्ची और 1 बच्चे ने दम तोड़ दिया है जबकि 1 महिला और बड़ी बच्ची जख्मी हो गई है। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने सुरुचि संघ पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने देवी प्रतिमा के सामने खास तौर पर ढाक बजाया। सीएम ममता के साथ राज्य के मंत्री फिराद हकीम भी मौजूद थे। फिराद हकीम ने भी ममता बनर्जी के साथ ढाक बजाया। ढाक एक ढोल यंत्र है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दिल्ली के लवकुश रामलीला में महर्षि विश्वामित्र की भूमिका निभाई। वो तीसरे दिन के मंचन के दौरान सीता स्वयंवर के प्रसंग में नजर आए। कई और राजनेता और जाने माने बॉलीवुड कलाकार भी इस रामलीला में अहम भूमिका में नजर आएंगे। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई है। श्रद्धालु विधि विधान के साथ मां विंध्यवासिनी की पूजा में जुटे हैं और वो आरती भी बढ़ चढ़कर लेख रहे हैं। बद्रीनाथ और अलकनंदा नदी में आईटीबीपी के जवानों ने सफाई अभियान चलाया। नदी के किनारे तक उतर कर जवानों ने सफाई की, साथ ही मंदिर परिसर में भी साफ सफाई की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।